प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ही नहीं विश्व के भी लोकप्रिय नेता हैं। मोदी की बदौलत ही बीजेपी ने दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाई। विपक्ष मोदी के नाम से ही डरा रहता है। विधानसभा चुनाव में भी मोदी के प्रचार से चुनाव की तस्वीर बदल जाती है। मोदी अपने भाषण और रैलियों से चुनाव की तस्वीर ही बदल देते हैं। इसके अलावा विश्व में पीएम मोदी जहां जाते हैं लोग उनको देखने के लिए उमड़ जाते हैं। हालांकि भारत में विपक्षी दल हाथ धोकर पीएम मोदी के पीछे पड़े रहते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की लाख कोशिशों के बावजूद भी पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की हालत जर्जर है। यूपी समेत कई राज्यों में होने वाले चुनाव में भी कांग्रेस कहीं नहीं टिक रही है। इसके बाद भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ अटैकिंग मोड में रहते हैं। हालांकि अब जो खबर आई है वो राहुल की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि मोदी का जलवा बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर पीएम मोदी का डंका विश्व भर में बजा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी ज्यादा फेमस हो गए हैं। बाकी दूसरे देश के नेता तो उनके आसपास भी नहीं टिकते हैं। वहीं पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ एक बार फिर बढ़ा है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी ग्लोबल रेटिंग सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष पर हैं। सर्वेक्षण में पीएम मोदी ने 71% की रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया है। वहीं मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्रेडोर 66% रेटिंग के साथ दूसरी और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी 60% रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं। विश्व के 13 नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 43% रेटिंग के साथ छठे नंबर पर हैं। बाइडेन के बाद कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो भी 43% और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 41% पर हैं। लेकिन मोदी ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल कर भारत का नाम विश्व के पटल पर रोशन कर दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी का डंका विश्व भर में बजा है। वहीं पीएम मोदी की लोकप्रियता से जुड़ी ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। खासतौर पर बीजेपी यूपी और उत्तराखंड में बढ़त बनाना चाहती है। वहीं भगवा दल द्वारा पंजाब में भी किसान आंदोलन से हुए नुकसान की भरपाई की उम्मीद तलाशी जा रही है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी ग्लोबल रेटिंग सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।